जिला सोलन में कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। जानकारी देते हुए नालागढ़ के एसडीएम प्रशांत देष्टा ने बताया कि जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत जो प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में कुछ आवश्यक बदलाव किए हैं, जिसके अनुसार जरूरी सामान की दुकानें सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुली रहेंगी। इस अवधि में लोग केवल अपने घरों से आवश्यक खरीदारी करने या आवश्यक सेवाओं तक ही जा सकेंगे। ...144 सेक्शन इम्पोज हुई थी, उसके रिवाइज्ड ऑर्डर आज हमें मिले हैं और आज फिर से जो फैक्ट्रीज की वर्किंग का जो जिस तरह से पीछे परमिशन दी गई थी कि फैक्ट्रीज रन करेंगी, फार्मा यूनिट और एंसिलरी यूनिट जो भी इनके साथ सोप और जो अदर जो अलाउड की गई थी उस नोटिफिकेशन के द्वारा, वो द्वारा से अपने वर्कर्स को फैक्ट्री टू जहां वो ठहर रहे हैं वहां ले जाने की सुविधा दे रहे हैं और इसमें हम उनके लिए पासिस बना रहे हैं और परमिशन देंगे बाकायदा ट्रांसपोर्टेशन की। और इसके साथ साथ मैं जो सबसे आम जनता के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जो हमारे कर्फ्यू में जो रिस्क जो रिलैक्सेशन दी गई है वो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक की, यानी कि आप अपनी ज़रूरतमंद की जो चीज़ें सुबह 7 बजे से 1 बजे तक वो मार्केट से ले सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पर हमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग। एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। जब आप दूध लेने जा रहे हो मार्केट में, जब आप राशन की दुकान में राशन लेने जा रहे हो, तो इस चीज़ का आप जो ये स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल है उसका आप पूर्णतः पालन करेंगे। और इसके साथ साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो उस टाइम जो है एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। कर्फ्यू लगा हुआ है और कोरोना वायरस से अगर हमें लड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का हमें फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। अभी बाकी चीज़ों पे भी हमारे क्षेत्र में हम सोच रहे हैं। कल से बद्दी में, पर्टिकुलरली बद्दी एरिया में डोर टू डोर जो है राशन की सप्लाई हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरे लोगों से अनुरोध है, संयम बना के रखिए। हम हर चीज़ का ध्यान देंगे, चाहे जहाँ जहाँ अपने गैस सिलेंडर घर पहुंचाने की बात है उसको भी इंश्योर करेंगे, दूध की, सब्जियों की, राशन की प्रॉपर सप्लाई हो उसको मेंटेन करेंगे। और इसके साथ साथ किसी भी तरह की भंडारण ना हो आवश्यक वस्तुओं का, या रेट्स जो है ज़्यादा ना, हमारे व्यापारी वर्ग रेट्स ज़्यादा ना ले, तो इन चीज़ों को भी हमारे ध्यान में सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जा रहा है। चाहे हर गली मोहल्ले जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की स्प्रे की जा रही है, और ऐसी स्प्रे की हमारे फायर टेंडर्स के माध्यम से एक बार में ही 5,000 लीटर जो हमारा फायर टेंडर है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, उससे जो 10 घंटे का 20 घंटे का काम है वो 1 घंटे में कर देंगे। तो ये हम कल से बद्दी में भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो पंजारा सेक्शन है, मेरा फिर से लोगों से अनुरोध है कि आप सिर्फ जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो लक्ष्मण रेखा माननीय प्रधानमंत्री की जी की तरफ से कही गई है उसका पालन करें, बाकी हम आपकी हर सुविधा का ध्यान रखने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड कि आप हमें आप व्यवस्था बना के रखिए ताकि हमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की ये हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि नियमों का पालन करें और हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे हर तरह से जागरूक हैं और हर तरह से काम कर रहे हैं। एक और विषय है कानूनों की अवहेलना करना। देखिए आज भी रेट लिस्ट से ज़्यादा पे पैसे, ज़्यादा पे वस्तुएं बेचने के लिए आज भी हमने कार्रवाई की है, फाइन भी किया है
और जो इंडस्ट्री नहीं चलनी चाहिए थी वो चली थी, उसके गेस्ट भी कार्रवाई की है, FIR लॉज हुई है। ठीक है जी, धारा 144 कोई तोड़ रहा है, कर्फ्यू की कोई कंडीशन तोड़ रहा है, उसके गेस्ट भी कार्रवाई की है, FIR लॉज हुई है। तो कानूनों का पालन करें, मेरा आपसे अनुरोध है कानून का पालन करें, स्वास्थ्य संबंधी जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें, एक दूसरे से जो है इफेक्टिव 1 मीटर का डिस्टेंस जो है वो हमने बनाना ही बनाना है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।